नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि क्या आप नॉर्मल थिंकिंग वाले इंसान हैं या फिर आप स्मार्ट थिंक करते हैं, तो ये वीडियो में आप देखने वाले हैं दोस्तों कि दो पड़ोसी कैसे एक नॉर्मल सोचता है और एक स्मार्टली काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप आज के डेट में ज़मीन लेने जाए, कहीं भी हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, अपने हिसाब से दोस्तों उसी रेशियो में ज़मीन की कीमत बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन किया गया है। घर को 6 से 7 फीट तक मिट्टी भरा गया है, क्योंकि रोड से ज़मीन लेवल 6 से 7 फीट नीचे था। पूरा मिट्टी भरने में पैसा खर्च किया गया दोस्तों, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन की। लेकिन दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनके पड़ोसी ने मिट्टी भरवाने में पैसे खर्च करने के बजाय आप देखेंगे दोस्तों कि अंडरग्राउंड बेसमेंट का निर्माण करवा दिया है। दोनों में से बढ़िया कौन है दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर आप बेसमेंट बनवा ही रहे हैं तो आपको कौन कौन से चीज़ का ध्यान देना चाहिए। पहला चीज़, पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें मिट्टी भरवाने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ दोस्तों अवश्य लोग पूछते हैं कि आखिरकार बेसमेंट बनवा रहे हैं तो हमें दोस्तों रोड से, या फिर अगर बात कर लेते हैं तो जो नॉर्मल ज़मीन की लेवल है दोस्तों, उससे कितना मिट्टी का कटाव करवाना चाहिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपका घर बन रहा है, बेसमेंट बन रहा है दोस्तों, वहाँ पे एवरेज मानसून कितनी होती है, मतलब बरसात के सीजन में बारिश कितना होता है, या फिर आपका जहाँ पे दोस्तों ज़मीन है वहाँ पे पानी का ठहराव कितना होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं RCC वॉल भी दिया गया है, साथ ही साथ दोस्तों ब्रिक वर्क का भी काम किया गया है। तो जहाँ तक दोस्तों रिटेनिंग वॉल दिया गया, RCC का यानी कि ढलाई वाला पार्ट दिख रहा है, वो ढलाई वाला पार्ट इसलिए दिया गया दोस्तों ताकि बगल वाले ज़मीन में उतना तक दोस्तों मिट्टी भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मिट्टी का लोड जो है वो एक तरफ ढकेलता है। तो नॉर्मल वॉल क्या करेगी दोस्तों, पहला चीज़ कि मिट्टी के जो लोड है उसको नहीं सह पाएगी, और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि जो मिट्टी का जो नमी है दोस्तों, वो धीरे धीरे ईंट सोखेगा और ईंट दोस्तों घर के अंदर सीपेज को ट्रांसफ़र करेगा। तो इससे बचाव के लिए भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 इंच का RCC वॉल दिया गया, ये 4.5 इंच का मैक्सिमम, आप इसको 6 इंच का भी रखवा सकते हैं, 4.5 इंच से भी आपके काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो अंदर में ब्रिकवर्क किया गया है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे बात से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब आपने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा है। कल मैंने आपको इस घर का जो बेसमेंट है उसके बाहर के साथ साथ अंदर से भी दिखाया था कि किस तरह से बाहर से 4.5 इंच का वॉल है, तो अंदर से भी 4.5 इंच का ही ब्रिकवर्क यानी कि ईंट वाला दीवार बिल्कुल RCC वॉल है दोस्तों, उसमें सटा करके बनाया गया है। अब उसका फ़ायदा हम किस लिए ले सकते हैं, या फिर RCC यानी कि ईंट वाला दीवार की क्यों आवश्यकता पड़ी है, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, पहला चीज़, ईंट दोस्तों ढलाई के मुकाबले सस्ता है, पहला बात ये हो गई। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि हम अपने घर के अंदर में, बेसमेंट के अंदर में जो पाइप फिटिंग्स वगैरह करवाते हैं, जो प्लम्बिंग वर्क होगा या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दीवार में ग्रूव काटते हैं, ठीक है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच अपने ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ पे जिस तरीके का पाइप होता है उसके हिसाब से दोस्तों हम ग्रूव काटते हैं। तो RCC वॉल में ग्रूव काटना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, साथ ही साथ रिस्की है, क्योंकि RCC हमेशा उस जगह से नहीं काटता है जहाँ पे हम चोट मारते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों कहीं भी क्रैक आ गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ब्रिकवर्क किया गया है कि हमारे 1 इंच यानी कि 4.5 इंच वाले ब्रिकवर्क में हम कितना भी दोस्तों ग्रूव काट सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग पाइप का हम पूरा का पूरा जाल अंदर ही अंदर दोस्तों बिछा सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हम बेसमेंट बनवा रहे हैं दोस्तों, उसके हाइट को लेकर के बहुत से लोग परेशान होते हैं कि आखिरकार इसका हाइट कितना रखा जाए। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए थे, तो दोस्तों हाइट 8 से लेकर के 12 फीट आपके मतलब किस इस्तेमाल के लिए आप उसको बनवा रहे, इस पर डिपेंड करता है। 8 फीट किन के लिए, अगर दोस्तों आप पार्किंग वगैरह बनवा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप 8 फीट का बिल्कुल जो है वो बेसमेंट बनवा सकते हैं। फ्लोर लेवल से लेकर के छत लेवल तक दोस्तों 8 फीट आपको हाइट इसकी रखनी है। लेकिन दोस्तों वही बात कर लेते हैं, बहुत से लोग इसको अंडरग्राउंड हाउस यानी कि घर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, बेडरूम्स वगैरह बनवा लेते हैं, तो वैसे में कम से कम 10 फीट का हाइट दोस्तों मेंटेन करना होगा।
लेकिन दोस्तों जगह की जिस तरह से किल्लत होती जा रही है दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि एक बेसमेंट में पार्किंग तो रहे और साथ ही साथ दोस्तों उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि उसमें दुकान भी बन जाए, और नहीं तो दोस्तों छोटे मोटे पार्टी यानी कि बर्थडे पार्टी वगैरह वही वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सके। तो वैसे केस में आपको इसके हाइट को दोस्तों कमर्शियल यूज के लिए 12 फीट का रखना होगा, क्योंकि दोस्तों फॉल सीलिंग वगैरह भी वहाँ पे आवश्यकता पड़ जाती है। जहाँ पे आप पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 8 फीट में काम चल जाएगा। घर के लिए, रूम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बेडरूम के लिए, तो वहाँ पे 10 फीट का, और कमर्शियल यूज के लिए अगर उसको पार्टी वगैरह के लिए दोस्तों आप चाहते हैं कि भाड़ा पे दिया जाए या फिर दोस्तों आप खुद सेलिब्रेट करें या फिर कोई दुकान वगैरह खोल ले, तो वैसे केस में 12 फीट आपको इसकी हाइट जो है वो रखनी चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आप 7 से 8 फीट मिट्टी भरवा रहे हैं दोस्तों, तो कभी भी उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना सेफ नहीं होगा। अगर आप नए भरे हुए मिट्टी में ही अपना फुटिंग डाल रहे हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें सही बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना होगा, एक स्टेबल फुटिंग के लिए क्या करना होगा कि जो ठोस ज़मीन था जहाँ से हमने मिट्टी भरना स्टार्ट किया था, उसके नीचे दोस्तों फुटिंग डालना होगा, और वहाँ से दोस्तों कॉलम आपको खड़ा करना होगा, टाई बीम वगैरह देना होगा। तो ऐसे में आप देख रहे हैं बीम और कॉलम तो हमारा लग ही रहा है दोस्तों, बस ब्रिकवर्क का ही पैसा अगर हम कम कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिकवर्क हम नहीं कर रहे हैं, और उसके बजाय दोस्तों इतने महंगे ज़मीन का हम एक फ्लोर के बराबर 7 से 8 फीट, जैसे मैंने बताया दोस्तों पार्किंग के लिए आवश्यकता होती है, तो उतना आपने मिट्टी भर दिया, तो दोस्तों ब्रिकवर्क का पैसा जो है वो मिट्टी भरने में आप खर्च कर रहे हैं, जो कि मिट्टी भरने के बाद में उस जगह का कोई भी यूज नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप बेसमेंट बनवा देते हैं, तो आपको जिस तरह से मैंने बताया कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के साथ साथ उसको कमर्शियल पर्पज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो अब अपने अनुसार दोस्तों आप सोच करके देखिए कि आपको क्या करवाना सही रहेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा कि कुछ जानकारी नई चीज़ आपको मिली है, तो एक लाइक दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।